Hi guys, welcome back to my channel. So this is a new car. This is my friend's car. Friend's ki hai apni and it's a Grand Vitara and it's a top end, right? So mera dost bhi hai saath mein. Iske kafi heart throb hai aajkal market mein. So dekhte hain kya kya isme aata hai. स्माइलिंग फेस है इसका, जैसे आप देख सकते हो फ्रंट में सुजुकी का लोगो लगा है काफ़ी. दो ये फॉग लैम्प्स हैं, ज़रा फॉग लैम्प्स ऑन करना फिर ऑफ करना. और इसके हेड लैम्प्स हैं जिसके DRLs थोड़े से अच्छे दिए गए हैं एंड मर्सिडीज़ में भी ऐसे ही आते हैं. देखिए आप देख सकते हैं DRLs, पास से दिखाता हूँ ये. और इसके नीचे देख रहे हैं फॉग लैम्प्स आपके जो है, ये भी आपके LEDs हैं, राइट. LEDs मिलते हैं आपको, इंडिकेटर देना. तो अगर आप इंडिकेटर देखना चाहोगे तो स्टार्ट कर या हैजार्ड फ्लैश ऑन कर दो तब भी. हाँ, तो आप ये देख सकते हैं उसी DRLs में इंडिकेटर्स है, है ना. तो विच इज़ अ गुड, व्हाट आई विल से, गुड कवरेज बोथ साइड, है ना. तो साइड प्रोफाइल देख लेते हैं. साइड प्रोफाइल में क्या मिलता है आपको, कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ फ्लावरी डिज़ाइन आपको अपोलो के टायर्स मिलते हैं. और 215/60 R17 का आपको 17 इंच का व्हील मिलता है. ये टॉप एंड में मिलेगा. सनरूफ मिसिंग है इस गाड़ी में, है ना. बाकी तो काफ़ी कुछ दिया है. एंड साइड में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, है ना. आपको क्या कहते हैं, बटन, अगर चाबी है आपके पॉकेट में, मैं दिखाता हूँ, तो इसका ये सेंसर काम करता है. दिस इज द की, बहुत ही छोटी सी है, ठीक. ये आपके पॉकेट में है, इसको आप दबाओगे तो ये देखिए अनलॉक हो जाएगी. आई विल शो इट टू यू. ये अनलॉक हो गई, इसको दोबारा दबा दीजिए तो लॉक हो गई. सो दिस इज़ अ कन्वीनियंस फीचर आता है. इसके जो साइड बिटिंग्स हैं वो स्टील में है, थोड़ा प्रीमियम फिनिश देती है. पीछे चलते हैं फिर अंदर चलेंगे. पीछे चलते हैं तो डेफिनेटली कई लोगों ने पोर्शे देखी होगी, नई वाली. तो पोर्शे की आयल से कॉपी है काफ़ी, है ना. अच्छी दी है. इसकी टेल लाइट दिखाते हैं आपको कैसे जलती है. ब्रेक दबाना देखते हैं. सो इट गिव्स अ डिसेंट लुक. मुझे ये गाड़ी पीछे से ज़्यादा, आगे ज़्यादा पीछे पसंद है. यू कैन सी दीज लाइन्स लुकिंग वेरी नाइस, ठीक है, गुड. नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दे रखी है. एंड लेट्स गो ऑन द इंटीरियर पार्ट. ऑन स्टेयरिंग पे बैठते हैं थोड़ी देर में. साइड में अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ अ लेदर फिनिश, वेरी नाइस लेदर स्टिच्ड आपका साइड पैनल्स हैं. ये भी सॉफ्ट है आपका. डैशबोर्ड भी आपका लेदर फिनिश दे रखा है. साइड में आपके लेदर फिनिशिंग दे रखी है. दिस इज़ अ 80 वेरिएंट, ऑटोमेटिक वेरिएंट है. तो AMT आता है इसमें आपका. एंड लेट्स गो इनसाइड. पीछे भी डिसेंट सीट है, आप देख सकते हैं. एक वेंट मिलता है आपको, डिसेंट अमाउंट स्पेस है बैठने के लिए. एंड आर्मरेस्ट भी आता है बीच में आपका, ठीक है ना. एंड आई एम नॉट श्योर whether आर्मरेस्ट विद कप होल्डर है. हाँ है, दो कप होल्डर्स हैं इसमें. और साइड में ही बॉटल होल्डर हैं. आपके स्पीकर्स भी लगे, 6 स्पीकर्स दे रखे हैं इसमें. बूट स्पेस इसका मैसिव है, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है. तो आप देख सकते हो, ये मैं आपको ऐसे करके टिल्ट करके दिखा रहा हूँ. काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है. और इसका अगर आप ट्रे निकाल दो तो और बड़ा हो जाएगा. तो नाइस एक ट्रिप में जाने के लिए क्वाइट नाइस. शार्क फिन एंटीना है, पीछे स्पॉइलर दे रखा है. इंटीरियर में आते हैं अंदर, राइट. कन्वेंशनल बटन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट द कार. आई थिंक फॉब ले आओ, अंदर आ जाओ 2 मिनट के लिए. आप देख सकते हो स्टेयरिंग इसका डी शेप नहीं है, राउंड शेप स्टेयरिंग व्हील है, राइट. एंड अंदर LEDs नहीं है, अंदर बल्ब दे रखे हैं, ठीक है ना. और आपका ये ऑटो डिमिंग मिरर है जो आता है बेसिकली टॉप एंड्स में. अच्छी बात ये है इसमें कि आपको ये इसका तो काफ़ी कॉकपिट एरिया की तरह फील होता है. ऑलवेज मारुति इज़ गुड इन मेकिंग दीज क्लस्टर मीटर्स, सो वेरी नाइसली डिज़ाइन. बलेनो में भी ऐसे ही आता है, आपने देखा होगा. थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको, है ना. तो यहाँ पे आपको MID मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है बीच में. साइड में आपके एनालॉग डिस्प्ले है, ठीक है ना. जहाँ फ्यूल दिखा रहा है, आपकी स्पीडोमीटर है, आपका RPM है एंड टेम्परेचर कंट्रोल वार्निंग है. बीच में एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, कितना माइलेज दे रही है, 12 का दे रही है क्योंकि काफ़ी रफ चला के आए हैं. एंड कितना रेंज है इसमें. सीट बेल्ट 3 है आगे पीछे, और लेफ्ट एंड राइट पोजिशनिंग है. ये मैंने पहली बार देखा है गाड़ी में, ये भी अब ऐड हो गया है.
गाड़ी पार्किंग में लगी है एंड ट्रिप मीटर है नीचे 755.3 किलोमीटर इफ यू कैन सी, थोड़ा जूम आउट कर दूँ, जूम इन कर दूँ, एंड टाइमिंग दिखा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस है, तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है एज यू नो, एज यू ऑल आर अवे. स्टेयरिंग काफ़ी डिसेंट है, यू हैव दीज डिफरेंट मोड्स टू चेंज इट, है ना. तो यहाँ पे स्क्रीन दे रखा है, आई थिंक अराउंड 10 इंच के आसपास का स्क्रीन है, राइट. म्यूजिक सिस्टम भी काफ़ी डिसेंट है, सारा ऑपरेशनल है, ठीक है ना. इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, तो आप इसको दबाओगे तो यू कैन सी ग्रीन लाइट कम्स इन. तो ये नॉर्मली सब गाड़ियों में आफ्टर 50 एक्टिव हो जाता है, 50-60 के बीच में. एंड दिस इज कॉलिंग टू बी डन हियर, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. तो इसमें इनबिल्ट वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है, है ना. सो लेट मी कैंसिल दैट, सॉरी. हाँ, एंड देन ये म्यूट का बटन है. पैडल शिफ्टिंग है इसमें सबसे अच्छी बात. सो यू कैन पुट दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बाय प्रेसिंग दिस बटन हियर एंड शिफ्ट इट इन द मैनुअल मोड. तो यहाँ पे M1 लिख के आ जा रहा है, एंड देन यू कैन ईजिली चेंज गियर्स बाय माइनस एंड डूइंग अ प्लस हियर. तो रेस कार का फील आता है आपको. देखिए 2 हो गया, मैंने दबाया 3 हो, 2 से ऊपर नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी अभी स्टैंडिंग पोजिशन पर. तो इसको माइनस कर देते हैं, तो दिस इज वर्किंग, अ गुड नाइस फीचर. देन यू हैव अ रेयर कैमरा, अगर रिवर्स में डालते हैं तो गाड़ी का कैमरा ऑन हो जाता है. इसमें आपका परपेंडिकुलर लाइंस है, साइड वर्टिकल लाइंस है टू पार्क इट इन द सराउंडिंग एरियाज. तो पार्किंग सेंसर्स भी लगे हैं, एंड यू हैव अ लिटिल डैश हेयर जिसमें कि सारे कंट्रोल्स हैं आपके. कुछ भी टच तो नहीं है, सारे बटन है, जो मुझे अच्छा लगता है. मतलब आई लिटरली फील कि टच से बेटर होते हैं बटन यूज़ करने में. यू हैव ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड स्मॉल विंड्स हियर. सो दिस इज़ द होल कॉकपिट एरिया, एंड यू हैव अ ग्लास होल्डर ऑल्सो इन दिस. सो डिसेंट अमाउंट ऑफ व्हाट आई विल से कंट्रोल्स आर इन दिस व्हीकल, बट फॉर मी आई थिंक इट्स अ लिटिल हाई ऑन द प्राइस. 17 लाख की पड़ती है आपको ऑन रोड, सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव आई थिंक. सो एंड यू हैव अ पुश स्टार्ट बटन ऑल्सो. सो आई होप यू हैव एनी क्वेश्चंस. इट डज नॉट हैव वायरलेस चार्जिंग, तो वो भी मिसिंग है इसमें, है ना. एंड अडास के फीचर्स भी मिसिंग है इसमें. तो एयर बैग्स तो आते ही हैं, जो आपको पता ही है. इट कम्स विद 4 एयर बैग्स, आई थिंक 4 or 6 एयर बैग. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू नो मोर, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So I'll try to make uncut videos, right? Always, and which is the USP of this channel, कि मैं कोई edit नहीं करता, जो है आपके सामने है, ठीक है ना. And one more thing, one last thing, the vision is quite good on the high beam. So ये low beam है and this is high beam. So this is covering quite a lot of what I'll surrounding area in the front. तो काफ़ी अच्छा है, right? So this is something good. So kindly like and subscribe, give me a thumbs up, and please increase my subscribers. Thank you so much and have a good day. Bye bye.